नमस्कार मु आरजे सोनालिसा आपण माने मते देखु चंती 91.9 सार्थक एफएम रो ऑफिशियल फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल रे आपण माने चिंते जानि चंती कि आरजे सोनालिसा असलानी माने डेफिनेटली आपण माने को पंकी नेके आस्थिबो गोटे इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड यस गोटे सुंदर स्टोरी सहित मु पुणी थरे आसी आपण माने को पाखरे हाजिर हे जाय छी। कहा जाय बंधुत्व इमिति एक संपर्क जो संपर्क रे रक्त संपर्क नाही सत किंतु से सब संपर्क उपरे जदि बंधु को टिके भी कष्ट हुए ना आमे सांगे संग जाई ता पाखरे पहुंची जाओ ता पई कि जित्ते जिंस जित्ते मूल्यवान जिंस अमर थाए आमे जदि सैक्रिफाइस भी करि दो आमु को लागे कि आमे जीवन रे ता पई बहुत ही छोटो जिंस टे सैक्रिफाइस करिचु। त ठीक सेमिति राजेश पिंकी आ परी तीन जन थिले बहुत ही भला सांग तीन जनक संपर्क बहुत ही भला थिला आउ तीन जनकर परिवार लोक माने भी तीन जनक फ्रेंडशिप को लेकि बहुत ही खुशी थांती। हेले गोटे दिन राजेश को बापांकर ट्रांसफर हे गला आउ बाध्य हे कि राजेश को परी आउ पिंकी थारु दूर को जीवा को पड़िला। से परी आउ पिंकी पाखरु दूर को गला सत किंतु सब बेले से दु जन को चिट्ठी लेखु थाए परी तो राजेश चिट्ठी रो किछि रिप्लाई दियनी किंतु पिंकी राजेश रो चिट्ठी पाइला मात्रे सांगे सांग चिट्ठी लेखिबा आरंभ करि दिए आउ ता परे चिट्ठी लेखि सारी राजेश पाखु को पठाए। एमिति चिट्ठी लेखा लेखि भितरे पाखा पाखि 22 वर्ष बीति जाय थाए आउ राजेश पूर्णि थरे ता बापा मांक सहित फेरि थाए ता पुरुणा घर को माने परी आउ पिंकी पाखो को। एक कथा सुनी पिंकी रो खुशी कहिले न सरे काहेकि ना एते वर्ष परे से राजेश को देखिबो राजेश सहित कथा हबो आउ ठीक सेमिति राजेश भी बहुत खुशी थाए। हेले परी उपरे सेमिति बेसी किछि प्रभाव देखिबा को मिलु न थाए से पूरा पूरी साइलेंट थाए। राजेश को छोटो बेलु परी रो सुंदरता आकृष्ट करि थाए राजेश मने मने परी की बहुत भल पाई बसी थाए किंतु एपटे पिंकी भी राजेश को मने मने बहुत भल पाउ थाए। हेले तीन जन जाक केही काहा को निज मनर कथा कहु न थांती। गोटे दिन राजेश चिंता कला कि आज नहले काली मु तो परी को मो मन कथा कहिबी तेणु आज काहेकि कहिबिनी भाविला गोटे चिट्ठी लेखिब आउ चिट्ठी लेखा आरंभ भी करदेला। चिट्ठी लेखि सारी दबवा कण से चिट्ठीटी भूल रे पिंकी हाथ में पड़ा आउ पिंकी से चिट्ठीटा पाइला पिंकीर खुशी कहले न सरे कहीं पिंकी की लगु थाए कि राजेश ताकु भल पाई बसी लगु थाए कि एत दिन स्वप्न तार सत हवाक जाऊँगी। ठीक किछि दिन परे राजेश्र बापा माँ राजेश्र मन कथा जाणी राजेश पाई बाहाघर प्रस्ताव नहीं परिघर को गले परिघर लोक मैंने एक कथा सुनी तांको खुशी कहले न सरे। हेले परी टिके कुंतकुंत हो थाए किंतु एक कथा जेतेबेले पिंकी पाखरे पहुँचिला सेतेबेले सते जेमती पिंकीर पाद तलु माटी खसीगला लागिला जेमती इत्ते दिनर भल पाइबा ता हाथ मुठारु खसी जाउची। से दिन पिंकी बहुत मन दुख कला बहुत कांदिला हेले राजेश को ता भल पाइबा कथा जणैबा को देलानी काहेकि ना गोटे पटे प्रेम तो आउ गोटे पटे थिला बंधुत्व चुपचाप हेकि ता दुख को सही गला किंतु एपटे परीर इच्छा नथिले भी से बाध्य हेकि घर लोक मानक पाइकी राजेश सहित कथा होता है। एमती कथबार्ता भितरे धीरे धीरे से भी राजेश को भल पाई बसिला। बाहाघर को आउ अल्प दिन थाए पिंकी राजेश आउ परी तीन जन बाहरी गले शॉपिंग पाइकी मार्केट को जाएंगी बहुत सारा शॉपिंग कले आउ शॉपिंग करी फेरु फेरु से दिन गोटे बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हेला आउ एक्सीडेंट रे तीन जनकर होश न थाए तीन जन जाक रक्त झुड़बुड़ हेकि रास्तारे पड़ी थांती। रास्तारे थिबा किछि लोक माने तीन जन को उठे कि आनी मेडिकल ले पहुँचिले। मेडिकल ले पहुँचिबार किछि समय परे पिंकीर होश आसिला से उठिकी जाई देखे तो परीर होश न थाए से सेमती मेडिकल बेड उपरे पड़ी थाए आउ राजेश बहुत जोरे चिले चिले के कांदु थाए पाखो को जाए कि जानिला डॉक्टर को पाखरु जे राजेश रा आखि एक्सीडेंट रे सबु दिन पई नष्ट हो जाए छि। एक कथा सुनी पिंकी रा मन से दिन बहुत दुख हला बहुत से कांदिला आउ भगवान को जाए कहिला मते तो खुशी रे रहिबा को नदेला नाई किंतु मो सांग को तो खुशी रे रहिबा को दियो ताकू तो ता भल पाइबा पाइबा को दियो। ठाकुर को पाखरे से एक कथा कही सीधा बाहरी गला डॉक्टर को पाखो को आउ डॉक्टर को जाई निज आखि राजेश को दबा पई कहिला आउ रिक्वेस्ट कला
କି ତା ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଘର ଲୋକମାନେ ଖବର ପାଇ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପିଙ୍କି ତାର ଆଖି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରାଜେଶକୁ ଦେଇସାରିଥିଲା। ଘର ଲୋକମାନେ ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିଲେ କି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ପିଙ୍କି ତା ଆଖି ହରାଇ ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ପିଙ୍କି ଜାଣିଥିଲା କି ତା ଆଖି ସେ ରାଜେଶକୁ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତା ମନରେ ଟିକେ ବି ଦୁଃଖ ନଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ପଟେ ଥିଲା ପରି ଯିଏକି ତାର ଛୋଟବେଳର ବହୁତ ହି ଭଲ ସାଙ୍ଗ, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଥିଲା ତା ପ୍ରେମିକ। ସେ ରାଜେଶକୁ ଆଖି ଦେଇ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଥିଲା। ପିଙ୍କିର ଏଇ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କଥା କେବଳ ଡକ୍ଟର ହିଁ ଜାଣିଥିଲେ, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ବି ଜାଣିନଥିଲେ। ସତରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାକୁ ହିଁ ତ କୁହାଯାଏ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ, ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଷ୍ଟୋରିଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଜଣାଇବେ। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରି ସହିତ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।